15,000 deaths, 30 to 50% of world's population emergency में आ रहे हैं. Why? 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 Because of common cold. आज हम किसी common cold पे discuss करेंगे कि इसकी causes क्या है, इसकी medicine क्या है, इसकी treatment क्या है, इसकी prevention क्या है और इसकी home remedies क्या है. So let's talk about that. Assalamualaikum. My name is Dr. Syed Hashir Ali और आज हम common cold पे discuss करेंगे, जिसको हम अक्सर लेम लैंग्वेज में फ्लू कहते हैं, लेकिन फ्लू नहीं है. फ्लू के लिए अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप ये ऊपर लिंक आ रहा है उसकी तरफ जाएं और वहां पे जाके फ्लू की वीडियो देखें. अब मेरी रिसर्च जो है वो सब की सब NCBI से, अगर आपने NCBI के बारे में जाना है तो उसकी जाके वेबसाइट पे चेक कर लें. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड क्या है? ये भी वायरल इन्फेक्शन है फ्लू की तरह. अप्रोक्सीमेट 200 डिफरेंट वायरसेस हैं जो ये कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड को. जो 30 to 50% पॉपुलेशन हमारी है वो बेसिकली जो जिस वायरस से कॉज हो रही है उस वायरस का नाम है राइनो वायरस. इसके जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू से थोड़े डिफरेंट होते हैं और हाँ ये भी कॉन्टेजियस जरूर है. एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये फैल सकती है. इसका जो लाइफ साइकिल है वो 1 से लेकर 7 दिन या 10 दिन तक हो सकता है. इसमें हम डिफरेंट मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं. इससे पहले मैं ये बताता चलूँ, वो जो हमने एक लेम वर्ड यूज करते थे फ्लू के लिए कि हाँ ये खुद ठीक हो जाएगा, वो फ्लू नहीं खुद ठीक हो सकता, वो ये कोल्ड है. कोल्ड के वायरस एक ऐसा वायरस है जो हाँ अगर मेडिसिन वगैरह ना लें तो एक लिमिट है कि उस लिमिट तक ये खुद ठीक हो सकता है. लेकिन अगर इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हो तो फिर उसके लिए मेडिसिन वगैरह या होम रेमेडीज आपको जरूरी है लेना. लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिम्टम. सबसे पहले तो ये है कि फीवर, अगर हम फीवर की बात करें फ्लू में होता था, इसमें रेयर है. इसके बाद कफ की अगर हम बात करें तो ये हल्की हल्की खांसी इसमें आती है, लेकिन फ्लू में खांसी की मिकदार जो है वो ज्यादा है. इसके बाद अगर हम बात करें सोर थ्रोट, मतलब है कि गला तकलीफ कर रहा है, तो इसमें होता है, हल्की मिकदार में होता है, लेकिन फ्लू में क्या है बहुत ज्यादा हो रहा होता है. उसके बाद रनी नोज, नाक बह रहा होता है, जैसे हमने रेनाइटिस में बात की थी कि नाक बह रहा होता है, इसमें भी क्या है कि नाक बह रहा होता है और दोनों में ही बह रहा होता है. फ्लू में भी बहता है, कोल्ड में भी बहता है और एलर्जी में भी बह रहा होता है. छींके इसमें यूजली आ रही होती है, जबकि फ्लू में जो है ना वो छींके इतनी खास नहीं आती. वॉमिटिंग, इसमें वॉमिटिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही होती, लेकिन फ्लू में क्या है वॉमिटिंग वाली फीलिंग आपको आ रही होती है. इसके बाद ये कोल्ड जो है ये आराम आराम से होता है, मतलब पहले दिन हल्का होगा, दूसरे दिन थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे दिन और ज्यादा, लेकिन फ्लू क्या है वो एब्रप्ट होता है. क्यों? उसका वायरस इन्फ्लुएंस है, वो एकदम अटैक करता है. जबकि ये जो है इसका वायरस थोड़ा सा राइनो वायरस है, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, इसलिए जो है वो अपना लाइफ साइकिल आराम आराम से कंप्लीट करता है. सो इसके बाद आ जाता है कि सिम्टम्स की सिवेरिटी. जैसे हमने ये अभी बात की है तो इसमें जो सिम्टम्स की सिवेरिटी होती है वो माइल्ड होती है कोल्ड में, जबकि फ्लू में सिम्टम्स की सिवेरिटी ज्यादा होती है. उसकी वजह यह है कि वो एब्रप्ट होता है. तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो कॉजेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देर आर 200 वायरसेस इन द वर्ल्ड जो आपको कॉमन कोल्ड कॉज कर सकते हैं, और मेनली 30 to 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को जो वायरस कॉज कर रहा होता है वो राइनो वायरस है. इसके अलावा आप इससे प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, जिसको कॉमन कोल्ड है उससे बचना है क्योंकि ये कंटेजियस है. और दूसरा ये आप मास्क वगैरह का यूज करें. अगेन फ्लू में जिस तरह करते थे स्मॉग और फॉग दोनों के अंदर मास्क वगैरह आपने यूज करना है, स्मोकिंग से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, अपनी स्लीप को जो है वो नॉर्मल करें. अगर आप इंसोम्निया के शिकार हैं तो उसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह लें. और एक आती है फ्लू के खिलाफ वैक्सीनेशन, वो लाजमी करवा लें, क्योंकि जब फ्लू होता है तो फ्लू दावत दे रहा होता है और वायरसेस को भी. तो अगर आपको फ्लू है तो उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, बिकॉज कि फ्लू जो है जब हो जाता है तो वो दावत देता है और वायरसेस को, उनके अंदर ये राइनो वायरस भी है. एंड दीज 200 वायरसेस विच आर कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड वो भी इंक्लूडेड होते हैं. तो इसलिए फ्लू की वैक्सीनेशन जो है ना वो लाजमी करवा लें. फ्लू की वैक्सीनेशन के बारे में जो है वो मैंने बताया हुआ है.
फ्लूड है वो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मैं इधर जल्दी जल्दी बताना चाहूँ फ्लू की वैक्सीनेशन के बारे में, तो वो यही है जो एलर्जी में हम डिसेंसिटाइजेशन वगैरह करते हैं या म्यूकस को आप ऑपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों सूरत हाल में क्या है कि वही फ्लू की वैक्सीनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट मेडिकेशन वगैरह हम क्या दे सकते हैं या इसकी होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं। सो द फर्स्ट थिंग देयर के मेडिसिन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, बुखार ओकेजनली होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ सर में दर्द वगैरह तो एसिटामिन या ये पेनाडॉल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ रेक्स रेक्स रेक्स, तो वो आप रेक्स पीस में यूज कर सकते हैं, फिक्सिट यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई फॉर्मूला के नाम से आती है लोरेटाडीन के, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी डोजेज के बारे में, तो डोजेज ये है कि रेक्स की सुबह दोपहर शाम होती है और जो फिक्सिट है वही 120 ग्राम जो है वो आपने दिन में लेनी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो 80 ग्राम आपने लेनी होती है फिक्सिट। सिमिलरली सेम इज द केस फॉर द लोरेटाडीन, वो भी आपने जो है फिक्सिट की तरह ही लेनी होती है, यानी फिजोफेनाडीन की तरह लेनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कोई और मेडिसिन के बारे में, तो कॉमन कोल्ड है बेसिकली, ये कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरस है, वायरस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, उस कॉमन कोल्ड को ट्रीट करना मुश्किल है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक इसके लिए दे रहे हैं तो डोंट टेक दैट, बिकॉज के एंटीबायोटिक इसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, एंटीबायोटिक जस्ट आपके स्टमक को खराब कर रही है और कुछ नहीं कर रही। हाँ यहाँ पे हमारी जो है वो प्रैक्टिस में इस तरह अक्सर औकात यूज हो रहा होता है कि आप आते हो तो वो फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या है कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं वो कि आपको साथ एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। बट यू नो योर सिम्टम नाउ, तो आपको पता है कि आपको फ्लू है या कोल्ड है, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि भाई मुझे एंटीबायोटिक ना दो, या यू आर एलिजिबल नाउ टू डायग्नोज कि फ्लू है या कोल्ड है, तो आप बेहतर उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, इसके लिए वीडियो फ्लू वाली पहले से मौजूद है। लास्ट पे हम बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में, होम रेमेडीज में इसमें विटामिन सी लेना बहुत फायदेमंद होता है। व्हाई विटामिन सी, अगर ये फ्लू है और आप विटामिन सी लेंगे तो ये और बढ़ेगा, और अगर ये कॉमन कोल्ड है और आप विटामिन सी ले रहे होंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जिंक ले सकते हैं, ह्यूमिडिफाइड एयर ले सकते हैं, इसके अलावा वो जो नेबुलाइज आप सेलाइन वाटर से कर सकते हैं अपने बच्चों को भी, और बच्चों में अगर आप बात करें इसकी कॉमन कोल्ड की तो ये हो जाता है। उसमें आपने क्या करना है, ये करें आप उसमें कि पेनाडॉल के ड्रॉप्स ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, और अगर आपने फिर भी उसको कोई मेडिसिन देनी है तो रिजिक्स जो रेक्स का ही एक अल्टरनेटिव है, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड है, तो उसके भी आप ड्रॉप्स दे सकते हैं। होम रेमेडीज के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो ये है कि लेमन और जिंजर यानी कि अदरक वगैरह उसका कैवा बना के वो पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट। और प्रिवेंशन वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया, मास्क वगैरह यूज करें, दूसरों को लगने से बचाएं, अगर आपको है तो कोशिश करें कि इंसानियत की खिदमत करें, ना कि उसको लगाने शुरू कर दें, मास्क वगैरह पहने, दैट्स इट, और अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सो दैट्स इट फॉर नाउ, और अगर आपने हमारे से चेकअप करवाना है तो मेरा हरम क्लिनिक है इस्लामाबाद में मौजूद है, हम स्काइप पे भी चेकअप करते हैं और रिटन प्रेस्क्रिप्शन आपको ईमेल कर देते हैं ताकि आप फार्मासिस्ट से लेना आपको आसान हो जाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, अपने प्यारों के साथ ये शेयर करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।